वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन्फो। T20 वर्ल्ड कप की टीम के अंदर मोहम्मद हफीज़ जगह बनाने में कामयाब, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी अपनी सिलेक्शन कराने में कामयाब। रिजवान को उनकी कारकर्दगी की वजह से टीम में डाला गया। ज़राए के मुताबिक फ़खर ने भी अपनी टीम के अंदर जगह बना ली। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टन होने के फ़रज़ सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ अगर सरजील खान को देखा जाए तो उन्होंने भी सिलेक्टर्स को मुतमैन कर लिया और T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जगह बना ली। अगर देखा जाए तो मोहम्मद इफ्तिखार अहमद ने जगह बनाने में नाकामी हासिल की, चीफ सिलेक्टर को मुतमैन करने में नाकाम रहे। इसके साथ साथ हमारे ऑलराउंडर शादाब खान ने भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जगह बना ली। इसके साथ साथ हमारे ऑलराउंडर अमाद वसीम ने भी जगह बना ली। अगर बात की जाए हसन अली की तो वो पाकिस्तान के टॉप बल्लेबाज और बैट्समैन दोनों में अब जाने जाते हैं, क्योंकि बैटिंग के अंदर भी उनकी कारकर्दगी अब अच्छी दिखाई दे रही है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।